नमस्कार दोस्तों, जय श्री केदार। दोस्तों मैं मनदीप स्वागत करता हूं आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो बेसिकली चार धाम यात्रा को लेकर जो नई गाइडलाइंस है जो सरकार द्वारा इशू की गई हैं उन पर होने वाला है, जो आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों जुड़े रहिएगा वीडियो के साथ। सबसे पहले दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, हम व हमारे चैनल की टीम के द्वारा यह निर्णय लिया गया है आप में से ही 5 भक्तों को बाबा केदारनाथ धाम जी की यात्रा व दर्शन निःशुल्क करवाए जाएंगे। इसके लिए बस आपको इस वीडियो को लाइक करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है तथा नीचे कमेंट में लिखना है डन, हर हर महादेव। दोस्तों जैसे कि उत्तराखंड में चार धाम यात्रा आगामी 3 मई से शुरू हो जाएगी, जिसके लिए सरकार द्वारा जो जरूरी गाइडलाइंस है उन्हें भी इशू कर दिया गया है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप भी इस साल चारधाम यात्रा का विचार बना रहे हैं तो सरकार द्वारा जरूरी गाइडलाइंस का पालन करना आपके लिए जो है अनिवार्य रहेगा। दोस्तों मैं आपको यही चीज़ क्लियर बताना चाहूँगा कि इस समय जैसे कि कोरोना के मामले भी काफ़ी तेज़ी से वृद्धि हो रही है उनमें भी, तो उसे लेकर भी सरकार द्वारा जो है एक अच्छी जो नीति है उसे अपनाया जा रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा जो सबसे पहली गाइडलाइन है, सबसे पहले तो दोस्तों आपके जो है डबल डोज वैक्सीन लगी होनी चाहिए। यदि नहीं भी लगी है तो भी आपको जो है कोविड की नेगेटिव जो रिपोर्ट है वो अनिवार्य ही रहेगी, चाहे आपके डबल वैक्सीन लगी है चाहे आपके नहीं लगी है, आपके लिए जो कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट है वह अनिवार्य रहेगी। ये दोस्तों मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, यही सरकार द्वारा जो पहली गाइडलाइन है यही बताई गई है। और दूसरी दोस्तों जो महत्वपूर्ण गाइडलाइन है सरकार द्वारा चारधाम यात्रा को लेकर जो निकाली गई है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर यात्री को जो कोविड का वैक्सीन है सर्टिफिकेट है वह अपने साथ और कोविड की नेगेटिव जो रिपोर्ट है और वो भी जो है ऑथराइज्ड लेबोरेटरी से करवाई गई हो सिर्फ वही मान्य रहेगी, ये मैं क्लियर कर देता हूँ। और आपको अपने साथ जो है कोविड का नेगेटिव का सर्टिफिकेट प्लस डबल डोज का सर्टिफिकेट भी रखना पड़ेगा। जिन भाइयों ने डबल डोज वैक्सीन नहीं लगवाई है तो उनके लिए मैं बता दूं, उनके लिए कोविड की नेगेटिव जो रिपोर्ट रहेगी जो कि 72 आवर से पुरानी ना हो वह रखना अनिवार्य रहेगा, जैसे कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। और तीसरी दोस्तों जो गाइडलाइन मैं आपको बताना चाहूँगा कि सभी श्रद्धालुओं से एक ही विनती है सरकार की भी, जो सरकार ने गाइडलाइन में लिखा है, सरकार द्वारा यह बोला गया है सभी श्रद्धालुओं से कि श्रद्धालुओं को जो कोविड-19 के प्रोटोकॉल हैं उनका सख्ती से पालन करना पड़ेगा, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क आपको जो है पहनना पड़ेगा पूरी यात्रा में। ये दोस्तों मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। और दोस्तों सरकार द्वारा जो चौथी और जो आखिरी गाइडलाइन जो सरकार द्वारा निकाली गई है वह भी मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों जितने भी श्रद्धालु हैं उन्हें किसी भी जगह पर स्नान की अनुमति नहीं मिलेगी, ये मैं दोस्तों आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे आप पहले जाते थे और गौरीकुंड में जो तप्तकुंड पड़ता है वहाँ जाकर आप नहाते, तो इस साल सरकार ने जो है कहीं भी होली बात की जो अनुमति है वह नहीं दी गई है, जो मंदिरों के आसपास हैं वहाँ भी, और कहीं भी अगर रास्ते में भी आपको झरना दिखता है तो आप वहाँ पर नहा नहीं सकते हैं, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यही है दोस्तों जो सरकार द्वारा चार जो गाइडलाइन है यह बताई गई है। और आपको एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, जो भी भगत जिनके डबल डोज की वैक्सीन की सर्टिफिकेट नहीं लगी है तो उनके लिए मैं ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि दोस्तों आपको जो है अपनी कोविड की नेगेटिव जो सर्टिफिकेट है उसे लेकर आना ही पड़ेगा। और कोशिश ये कीजिएगा कि 72 घंटे से ज़्यादा 72 आवर से ज़्यादा आपकी जो कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट है वो ना हो। जिनके डबल डोज वैक्सीन लग चुकी है उन्हें भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, उन्हें भी कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। और कोविड की जो नेगेटिव रिपोर्ट है RT-PCR भी वैलिड रहेगी और जो आपका रैपिड एंटीजन होता है यह भी वैलिड रहेगी। बस ये जो भी आप रिपोर्ट निकलवाते हैं ये गवर्नमेंट द्वारा ऑथोराइज जो लेबोरेटरी हो वहीं से करवाई गई हो तभी ये मान्य रहेगी, अन्यथा ये मान्य नहीं रहेगी और आपको यात्रा करने नहीं दिया जाएगा, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों यदि आप इन चार गाइडलाइन का पालन करेंगे तभी आप यात्रा कर पाएंगे। दोस्तों यही थी आज की अपडेट, आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी। जिन भी भाइयों को यह वीडियो अच्छी लगी हो कृपया वीडियो को लाइक करें तथा अपने मित्रों में शेयर करें। साथ ही साथ दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, हम अपने चैनल पर यात्रा व यात्रा संबंधी कुछ जरूरी अपडेट्स लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री केदार।